तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि Xiaomi Redmi Note 5 में एक्चुअली एक अपडेट रिलीज किया है Xiaomi ने रिसेंटली, जो कि उनका MIUI 9 यूजर इंटरफेस होता है, 9 वर्शन जो था इसमें, अभी 9.1.2 आई गेस वही अपडेट रिलीज किया है। और कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे Xiaomi रिलीज करता है अपडेट, कैसे सिस्टम अपडेट करें, और यूजुअली अपडेट्स इसलिए होते हैं क्योंकि ज़्यादातर सिस्टम स्टेबिलिटी लाने के लिए, आप मान लीजिए वर्क करते रहते हैं और बहुत बार स्ट्रक हो जाता है, हैंग होता है, कहीं ऐप से सपोर्ट नहीं करते हैं, कुछ फीचर्स कम रह जाता है, तो बेस्ड ऑन यूज़र एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन कैसे हम उनको फीडबैक देते हैं उनके वेबसाइट पर, तो उसी के आधार पर वो रिलीज़ कर देते हैं। तो वहीं एक अपडेट 9.1.2 का Xiaomi का आया है MIUI 9, तो मैं आपको वॉक थ्रू दे देता हूँ कि कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल में। तो चलिए देखते हैं कि क्या अपडेट है, क्या नए फीचर्स दिए हैं या दिए भी है या नहीं, वही हम अभी देखने वाले हैं। तो ये है Redmi Note 5, और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं छोटे से बबल आइकॉन में आपको जो भी नोटिफिकेशंस आते हो, कुछ भी हो ऐप्स के रिलेटेड, आपको इन्फॉर्मेशन देता जाएगा। और यहाँ से आप अगर नोटिफिकेशन पर जाएंगे तो यहाँ पर बताएगा कि अपडेट्स आर रेडी टू इंस्टॉल, तो उसी के ऊपर आपको टैप करना है। अगर आपको ये वाला नहीं दिखाई दे रहा है तो आप सिर्फ सेटिंग्स पर जाएँ यहाँ, और सेटिंग्स में अबाउट फ़ोन जहाँ रहता है, जैसे Xiaomi में यहाँ पर पहले दिया है अबाउट फ़ोन, देखिए यहाँ पर 1 करके है सिंबल, तो यहाँ पर सिस्टम अपडेट ऑलरेडी अवेलेबल है। तो चलिए अभी इंस्टॉल करते हैं इसको। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर जाना है और बताएगा कि ये ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअली क्या है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन इम्प्रूव्ड सिस्टम स्टेबिलिटी, ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस, जो भी ऐसे अपडेट्स हो। देखिए MIUI का वर्शन 9.2.13 अभी स्टेबल वर्शन रिलीज़ किया है। अभी इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर रीबूट नाउ है तो टैप कर दीजिए, वो एक बार रीबूट नाउ टैप करेंगे तो वो इंस्टॉल कर देना स्टार्ट होगा। और एक बात यह है कि अगर वहाँ पर रीबूट नाउ करके नहीं दिखाई दे रहा है तो इंस्टॉल नाउ करके होगा या फिर डाउनलोड करके होगा, तो आप उसके ऊपर टैप कर दीजिए तो वो डाउनलोड होकर इंस्टॉल होना स्टार्ट कर देगा। तो अभी देखिए मी करके फिर से उनका सिंबल आया है क्योंकि रीस्टार्ट हो रहा है मोबाइल अभी। तो यहाँ पर देखिए अपडेटिंग करके यहाँ मैसेज है, यहाँ पर अपडेटिंग MIUI, डोंट रिबूट दिस डिवाइस, तो वो प्रोसेस होने के लिए कुछ देर लगेगा, अराउंड 1 to 2 minutes बस, तो उसको होने देते हैं अभी। तो अपडेट होने के बाद हम नॉर्मल जैसे मोबाइल यूज़ करते हैं लॉक स्क्रीन पर पहुँचते हैं, तो लॉक स्क्रीन से यहाँ पर होम स्क्रीन, कुछ नए इंटरेस्टिंग फीचर्स कुछ भी नहीं दिया है Xiaomi ने, बस उनका जो स्टेबिलिटी इश्यूज़ के रिलेटेड रहते हैं वही इम्प्रूव किया है बस। यहाँ पर जल्दी से अबाउट फ़ोन देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर अबाउट फ़ोन में वही एंड्रॉयड 7.1.2 ही है, 8.0 अपडेट नहीं आया अभी, और 3GB रैम वाला वर्शन है। यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज देखिए 22.82GB अवेलेबल है, कोई ऐप्स नहीं इंस्टॉल किया हूँ मैं अभी तक। तो उसके साथ आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं MIUI का ग्लोबल वर्शन 9.2.13 स्टेबल वर्शन चल रहा है। तो बस मुझे बताना था कि कैसे आप सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं, अगर आपको पता नहीं था तो अभी आपका मोबाइल जो भी हो मोबाइल, आप अबाउट फ़ोन में जाकर आपका अपडेट सॉफ्टवेयर अपडेट्स चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप ज़रूर अपडेट कीजिए, कुछ स्टेबल परफॉर्मेंस आपको ज़रूर मिलेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्प हुआ होगा, अगर है तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों, टेक केयर अपना, बाय बाय।